भागलपुर के विश्वविद्यालय थाने के परबत्ती मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ किया, मंदिर में पत्थर फेंके। वहीं सूचना मिलते ही भारी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के साथ बैठक करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही अफवाहों पर ध्यान देने की अपील भी नहीं की गई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था को कायम करने की अपील भी की है। दरअसल फेक न्यूज़ पर भी ध्यान नहीं देने की अपील यहां के लोगों से की गई है। भागलपुर के काली मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां तोड़फोड़ की गई है और देखिए किस तरीके से यहां पर असामाजिक तत्वों ने काली मंदिर में पत्थर फेंके हैं। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर काली मंदिर में तोड़फोड़ की और भारी पुलिस बल की तैनाती, दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे और ये जो तीसरी तस्वीर है वो शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए बैठक की गई, पुलिस की ये बैठक है। लोगों के साथ यहां पर अनुरोध भी किया गया है कि जो फेक न्यूज़ लोग फैला रहे हैं उससे भी दूर रहें। फिलहाल ये तीन तस्वीरें जहां काली मंदिर में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला सामने आया है, काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, भारी पुलिस बल की इसके बाद तैनाती है और लोगों से पुलिस की बैठक में अपील की गई है कि शांति व्यवस्था को कायम करने में प्रशासन की मदद करें। तो देखिए मामले की जांच हो रही है लेकिन ऐसे में कुछ सवाल भी उठते हैं कि आखिर काली मंदिर में पत्थरबाजी क्यों हुई, काली मंदिर में किसने तोड़फोड़ की। सवाल ये भी है कि आखिर किसने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। सवाल ये भी है कि दोषियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, कब दोषियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। पूरा मामला एक तरफ आपको बता रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूज स्टेट के कुछ सवाल भी हैं और आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। इसी खबर पर अपडेट देंगे, संवाददाता आलोक झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, देखिए जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ की है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक दोषियों की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से प्रेस रिलीज निकाला गया है। भागलपुर के वाले पुलिस अधीक्षक की तरफ से उनका प्रेस रिलीज में साफ तौर पर लिखा गया है कि भ्रामक खबरें न फैलाएं, सोशल मीडिया से बच के रहे, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही कि आखिर कल भी जो है ताजिया जुलूस के दौरान जो है भागलपुर में एक लड़की के ऊपर बम फेंका गया। आज सवेरे जो है, क्योंकि आज जो है मातम का जुलूस मुस्लिम समुदाय के द्वारा निकाला जाता और ये जो काली मंदिर जो है, ये दोनों यहाँ पे जो है जिस जगह पे काली मंदिर अवस्थित है यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग जो है उसकी संख्या काफी है और यहाँ पे जो काली पूजा विसर्जन के दौरान भी जो है इस तरह की घटनाएं घटती रहती है और ये काली मंदिर जो ओपन काली मंदिर है, इसके बाद जो है इसके अंदर जो है पत्थर फेंका गया, पत्थर फेंकने के बाद गेट को क्षतिग्रस्त किया गया और जिसके बाद जो है जब स्थानीय लोगों को पता मिली तो उस पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, वहां पे टैग जलाया गया, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ के शांति समिति के जो लोग हैं उनसे पुलिस प्रशासन लगातार जो है अपील कर रही है कि किसी तरह का आप लोग के द्वारा भ्रामक खबरें न फैले सोशल मीडिया के बाद और यहाँ पे जो है काफी संख्याएं पुलिस बल को भी मौजूद किया गया है। जी सुन, बिल्कुल इस वक्त आलोक नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।